मुजफ्फरपुर जिले के कांटी प्रखंड क्षेत्र के कई पंचायतों से दर्जनों महिलाओं ने युवा संघर्ष शक्ति संगठन का प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की है। संगठन के संयोजक अनय राज ने सभी महिलाओं को प्रधान कार्यालय कांटी में सदस्यता ग्रहण करवाया। उन्होंने कहा कि विभिन्न सरकारी योजनाओं में बिचौलिए हावी हैं, जिनके कारण महिलाओं से अवैध उगाही करने के बावजूद उनका काम नहीं किया जा रहा है। आगे क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। नारी शक्ति का युवा शक्ति के कार्यालय पर सदस्यता अभियान के तहत इन लोग का सदस्यता हुआ है, प्राथमिकी सदस्यता। और बिहार में जिस तरह लगातार अपराध, बेरोजगारी और छोटी छोटी योजनाएं जो सरकार की है वो गरीबों तक कैसे नहीं पहुंच रही है बिचौलियों के कारण, इसलिए ये मातृशक्ति नारी शक्ति परेशान है, कोई मदद करने वाला नहीं है। चुनाव होता है, बहुत सारे नेता आ जाते हैं, अभी फिर पंचायत चुनाव है, बहुत सारे नेता पंचायत में भटक रहे हैं, लेकिन इन दुखियारी का कोई समस्या सुनने वाला नहीं है। एक छोटा शौचालय का समस्या हो, रोजगार का समस्या हो, इन लोगों को इंदिरा आवास की समस्या हो, जातीय आवासीय की समस्या हो, बिचौलिया इन लोगों से 500 हज़ार रुपया ठग लेते हैं, इन लोगों का काम नहीं हो पाता है और इनका अधिकार इनको नहीं मिल पाता है। ये लोग हमेशा से संगठन का सहयोग लेते रहे हैं, संगठन के कार्यालय पर आकर सब लोगों ने प्राथमिकी सदस्यता ग्रहण की है और संगठन के साथ नारी शक्ति, हमारी प्रदेश अध्यक्ष सुषमा भारती, प्रखंड संयोजक रूपेश पांडे, इन लोगों के साथ मिलकर निरंतर प्रखंड स्तर पर जो भी छोटी मोटी समस्या है उसका निदान करने के लिए संकल्पित है। हम लोग इनके साथ हैं, इनकी आवाज़ पर आज सदस्यता ग्रहण हुआ है, इन लोगों के आग्रह पर आज उपस्थित है। जहाँ भी कभी इन लोगों की कोई समस्या होगा, बेटा बनकर, भाई बनकर मातृशक्ति के साथ खड़े रहेंगे। आज इन लोगों का सदस्यता ग्रहण हुआ है, हम काफ़ी गदगद है कि संगठन के प्रति इन लोगों का इतना विश्वास है। चुनाव आएंगे और जाएंगे उससे ऊपर हट के इन लोग जो संगठन के प्रति लगातार जुड़ाव रखते हैं, ये हम लोगों के लिए एक गर्व की बात है। इस गर्व पर हम लोग निरंतर आगे और चट्टानी और फॉलो